सो हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कई दिनों के बाद में एक बार फिर से हम अपने इस चैनल पर दोबारा वापस वीडियोस के साथ में आ रहे हैं। क्या हो कि बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। बहुत लोग नोटिस कर भी लेंगे कि दिक्कत क्या हुई थी, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे गए इन दिनों में, और आज की बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो दो तीन खबरें ऐसी हैं जो पहले हुई हैं लेकिन वो आप तक नहीं पहुंची, वो बता देते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम आएंगे आज की बात। जम्मू कश्मीर के बारमूला में 20 वर्षीय गेंदबाज यासीन का बॉलिंग करते टाइम हार्ट अटैक आने की वजह से डेथ हो गया। ये चीज जब से सोशल मीडिया पर आई है ना, तब से जो भी क्रिकेट के फैन हैं, जो भी क्रिकेट को चाहने वाले हैं, वो इसे काफी ज्यादा अचंभित हैं, और जो नहीं भी इंटरेस्टेड है वो गेंदबाजी करते हुए आए हार्ट अटैक के बारे में सुनकर जरूर चिंतित। दूसरी खबर है शोएब मलिक को लेकर। शोएब मलिक को बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी बीपीएल, उसमें कहा गया कि वो फिक्सिंग के आरोप में निलंबित किए गए। इसको लेकर शोएब मलिक ने अपना जो सफाई है वो दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी उसका खंडन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ बांग्लादेश से किसी कार्यक्रम की वजह से दुबई गया था, जिसको जाने की वजह से लोगों ने कहा कि वहां पर 3 गेंद जो मैंने नो डाली थी उसको लेकर लोगों ने कहा कि वो फिक्स थी, और उसको लेकर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। साल भर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे रिजेक्ट किया गया। ये सारी खबरें बेकार हैं, यहां पर शोएब मलिक ने खुद से कहा, यानी जो भी अभी सोशल मीडिया पर चल रहा था वो सही नहीं है। एंड साथ ही बात करें तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच की, जहां पर तीसरे दिन का खेल जो है वो समाप्त हो, जहां पर भारत ने पहली पारी खेली, इंग्लैंड ने पहली पारी खेली, दूसरी पारी इंग्लैंड की जा रही है, जहां पर पहली पारी में इंग्लैंड ने 246 रन पर ऑल आउट हो गई थी इंग्लैंड, वहीं पर पहली पारी में भारतीय टीम ने 436 रन का जो टारगेट जो है वो दिया था, जहां पर कुछ रनों की जो लीड थी वो भारत के हाथ में थी, जिसके बाद में इंग्लैंड जो है वो पारी की दूसरी पारी की शुरुआत करती है और 316 रन पे पहुंच जाती है सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर। यहां पर इंग्लैंड की जो बढ़त है वो 126 रनों की है। अब आगे देखना है कि जो इंग्लैंड है वो अपनी पारी को कहां तक ले जा पाती है, क्या भारत इस टेस्ट को जीतेगा, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। लेकिन इंग्लैंड की इस दूसरी पारी को 316 रन तक पहुंचाने में जिस बल्लेबाज का योगदान है ना, वो है ओली पॉप, जिन्होंने 148 रन की पारी खेली, जो अभी भी क्रीज पर है। और देखना होगा कि ओली पॉप कब तक चलते हैं, क्या भारत का जो पहला स्कोर है पहली पारी वाला उसको बीट कर पाती है इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। साथ ही इंडिया ए की बात करें तो उसका मैच था इंग्लैंड लायंस के साथ में, जहां पर इंडिया ए ने पारी और 16 रन से जो है वो जीत दर्ज की है, जहां पर सरफराज अहमद ने 161 रनों की पारी खेली। अब हाँ, एक चीज निराशा का बात जरूर है कि सरफराज अहमद जो है वो लिस्ट ए में भी अच्छा काम कर रहे हैं, रणजी में भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, कुछ भी हो, हर जगह पर सरफराज अहमद का डंका जो है वो बोल रहा है। लेकिन सिलेक्टर्स के मन में क्या है, कब वो इन्हें इंटरनेशनली टीम में मौका देंगे, इसको लेकर काफी सवाल है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक वीडियो प्रॉपर लगेगी, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सरफराज को नेशनल टीम में सिलेक्ट होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तन्मय अग्रवाल, ये न्यूज भी काफी ज्यादा वायरल हो रही कल परसों से ही, क्योंकि तन्मय अग्रवाल ने 366 रनों की जो पारी खेली है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ताबड़तोड़ पारी है, सबसे बड़ी पारी कह सकते हो, जहां पर तन्मय अग्रवाल ने सिर्फ और सिर्फ 181 बॉल्स में 366 रन की जो है वो पारी खेली है। यहां पर तन्मय अग्रवाल ने 26 छक्के लगाए, जो भी किसी भी लिस्ट ए मैच में सबसे ज्यादा छक्के हैं। इससे पहले कॉलिन मुनरो, न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो के नाम पे रिकॉर्ड था, जिन्होंने 23 छक्के लगाए थे 2015 में। अब ये रिकॉर्ड जो है वो तन्मय अग्रवाल के नाम पर है, जिन्होंने 26 छक्के लगा दिए। साथ ही बात करते हैं कोची में बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, जहां पर जिसकी जो फर्स्ट लुक है, जो बनने के बाद में कैसा दिखेगा उसका जो फर्स्ट लुक है वो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां पर उसका कुछ इस तरीके से विजुअल है और बताया जा रहा है कि ये जो स्टेडियम है कुछ इसी तरीके से देखेगा। तो भाई सब देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपको कैसा लगा जरूर से बताना। ये स्टेडियम कोचीन स्पोर्ट्स सिटी का हिस्सा होगा, जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी होगा। स्टेडियम में कुल 40,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। कोचीन स्पोर्ट्स सिटी में एक इको पार्क भी होगा, एक वाटर स्पोर्ट्स पार्क भी होगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की शिकायत जहां पर इंग्लैंड के फैंस ने की, उन्होंने कहा कि यहां पर जो व्यवस्था की गई है वो अच्छी नहीं है,
वहां पर उन्होंने टॉयलेट्स के जो है वो फोटोज शेयर किए और उन्होंने कहा पानी की बोतलें और सनस्क्रीन जो है वो जब्त कर ली गई। तो यानी इस चीज को लेकर हैदराबाद की स्टेडियम को सोचना, टॉयलेट्स के हालात हैं जो भी चीजें हैं उसको सुधारना, क्योंकि ये लोग बाहरी हैं, ये टूरिस्ट हैं, अगर हम माने तो इनका ख्याल रखना जरूरी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसी तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना एंड लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।